प्रश्न पांच, दिए गए चित्र से लिखें। तो यहां पे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहां पे तीन रेखा है, एल एम एन, तो तीन समानांतर रेखा है। कौन कौन? एल एम एन, उसके बाद एक रेखा इस तरह से है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तीनों को, और एक रेखा इस तरह से है, उसके बाद एक रेखा जो है इस तरह से है। देखिए, तो ये सब का नाम लिख लेते हैं। यहां पे जी है, यहां पे एच, यहां पे ए, यहां पे पी, ये जो है पी है, उसके बाद यहाँ पे डी है, उसके बाद यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे सी है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई, उसके बाद यहाँ पे जे है, उसके बाद यहाँ पे एफ है, उसके बाद के है, यहाँ पे ई है। तो इस तरह से इसका नाम दिया हुआ है। ये क्यू है और ये जो है आर है। तो समानांतर रेखा हो गया एल एम एन, देखिए ये जो है समानांतर रेखा हो गया एल एम एन। फिर एक तिर्यक रेखा जो है, ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, आर है। इसका नाम है, देखिए ये इसका नाम है पी, और ये जो रेखा है इसका नाम है क्यू। तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है, समानांतर रेखाओं के सभी युग्मों को। तो दिए गए चित्र से क्या लिखना है, समानांतर रेखाओं के सभी युग्मों को। तो समानांतर रेखा कौन कौन है, देखिए L समानांतर है M के, ठीक है, L समानांतर है M के, और M जो रेखा है N के समानांतर है, M जो रेखा है N के समानांतर है, और N जो है L के समानांतर है, ठीक है। ये तीनों रेखा आपस में समानांतर है, तो हम इस तरह से इसका युग्म बना करके लिखेंगे। L और M क्या है, समानांतर है, उसी तरह M और N समानांतर है, और N और L समानांतर है। तो इसका उत्तर में लिख देंगे, A का उत्तर में क्या लिखा जाएगा, L कॉमा M, ये हो गया एक युग्म समानांतर रेखाओं का। उसके बाद लिखेंगे M कॉमा एन, एम समानांतर है एन के, तो युग्म लिखना है, तो इस तरह से कॉमा देकर के लिखेंगे। फिर एन समानांतर एल, तो एल समानांतर एम, देखिए एल जो है एम के समानांतर है, एम समानांतर है एन के, ठीक है, और एन समानांतर है एल के। तो क्या कह रहा था प्रश्न में, समानांतर रेखाओं के सभी युग्मों को लिखें। तो देखिए युग्म मतलब जो जो समानांतर है उसका युग्म बना करके लिखना है। तो L और M समानांतर है, तो इसका युग्म हो गया L कॉमा M, M और N समानांतर है, तो M कॉमा N लिख देंगे, क्योंकि युग्म कह रहा है सभी युग्मों को लिखें। तो N समानांतर है L के, तो N कॉमा L लिख देंगे, इस तरह से इसका उत्तर देंगे। अब देखिए B में क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्मों। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्मों को लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्मों। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की युग्म लिखना है, यानी प्रतिच्छेद मतलब जो प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन है, देखिए एल और पी रेखा, यहाँ पे देखिए आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। एल देखिए ये हो गया और पी हो गया, यहाँ पे पी देखिए ये रेखा हो गया, ठीक है। तो एल और पी दोनों आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है एच के पास। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की युग्म, यानी जो आपस में दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है,
एक दूसरे को उसको लिखना है। तो एल और पी प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है दोनों, तो इसको लिख लेंगे। तो कह रहा है एल, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्मों को, तो एल कॉमा पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल कॉमा पी, उसके बाद लिखेंगे एम कॉमा पी, ये कैसे हो गया, तो देखिए एम एम हो गया ये रेखा, देखिए जो सीधा है एम, तो एम और पी देखिए यहाँ पे मिल रहा है आई पास, एम रेखा और पी रेखा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपस में, तो एम और पी क्या लिख देंगे, एम पी, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म हो गया एम पी, एल पी और एन पी, देखिए एन और पी, तो एन ये रेखा जो हो गया एन हो गया, और पी देखिए इधर से आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे मिल रहा है जाके एन रेखा और पी रेखा, ठीक है, तो हम लिख देंगे एन कॉमा पी। उसके बाद देखिए एल और आर, तो एल रेखा ये जो है एल रेखा है, और ये जो है आर, देखिए यहाँ पे मिल रहा है दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, आर रेखा देखिए ये आर है, ये जो रेखा है ये आर है, देखिए ये बिल्कुल जो नीचे गया है ये आर है, तो एल और आर डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, एल आर, एल कॉमा आर। उसके बाद तो एल आर तो हो गया यहाँ पे मिल रहा है, अब एम आर भी देखिए एम ये जो रेखा एम है, और आर कौन है, आर ये देखिए नीचे वाला है जो इस तरफ से यहाँ तक गया है, ये आर है, दोनों मिल रहा है आके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ई के पास, तो लिखेंगे एम कॉमा आर, क्या लिखेंगे, एम कॉमा आर। उसके बाद अब देखिए एन रेखा को देखिए, ये जो है एन रेखा है, और आर, आर कहाँ है, आर ये रेखा है देखिए, ये जो है सीधा वाला ऊपर जो गया है ये आर है, तो एन और आर कहाँ पे मिल रहा है, एफ के पास मिल रहा है यहाँ पे, तो एन और आर लिख देंगे एन कॉमा आर। उसके बाद देखिए एल और क्यू यहाँ पे मिल रहा है, देखिए एल ये एल है और क्यू कौन है, क्यू ये है, देखिए ये है क्यू, तो एल और क्यू जाके यहाँ पे मिल रहा है ए के पास, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हुआ, तो लिखेंगे एल कॉमा क्यू, एल कॉमा क्यू। उसके बाद है देखिए एम क्यू, एम ये एम हो गया और क्यू हो गया ये रेखा, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो एम और कॉमा क्यू लिख लेंगे, क्योंकि आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एम कॉमा क्यू। तो एम क्यू हो गया। अब देखिए एन ये रेखा जो हो गया एन हो गया, और क्यू रेखा आपस में कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सी के पास, तो एन कॉमा क्यू लिखेंगे, इसका युग्म क्या हो जाएगा, एन कॉमा क्यू। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए पी रेखा कहाँ पे है, पी रेखा ये है, देखिए पी रेखा ये है, तो एल पी भी देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अब यहां पे देखिए क्यू ये जो रेखा है क्यू है, देखिए ये ऊपर जो गया है क्यू है, और P आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे G के पास, तो क्या लिख देंगे, Q और P आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो QP लिख देंगे, क्या लिखेंगे, QP। उसके बाद है
पी पी यहाँ पे है और आर, देखिए पी रेखा जो तिरछा आया है और आर आर जो ऊपर गया है, आर जो ऊपर गया है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है जे के पास, तो क्या लिखेंगे, पी आर, पी कॉमा आर। तो ये हो गया इसका उत्तर, ये सब जो है इसका उत्तर है किसका, तो बी का। बी में क्या कह रहा था, प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म कौन कौन है, एल पी एम पी एन पी एल आर एम आर एन आर एल क्यू एम क्यू एन क्यू क्यू पी पी आर। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म है, यानी जो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है उसका युग्म बना करके लिखना था इस तरह से। तो अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा संख्या, ये कौन कौन सा रेखा जो है आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सी आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम कौन कौन है, देखिए आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे, तो आई की जगह पे आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो आई जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कौन कौन रेखा मिल रहा है, ठीक है, तो एम मिल रहा है, देखिए एम और पी मिल रहा है, यानी एम पी, ठीक है, तो एम पी आपस में यहाँ पे मिल रहा है आई के पास, तो लिख देंगे इसका उत्तर एम पी। तो आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम हो गया एम पी। देखिए आई जो प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पे रेखा कौन कौन है, एम है और पी है, दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एम पी। डी डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम लिखना है, तो देखिए डी कहाँ पे है, डी हम इसमें खोजेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो देखिए डी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, डी एल को प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर डी जो है, तो डी बिंदु कौन कौन, डी बिंदु के पास कौन कौन रेखा मिल रहा है, जैसे आई बिंदु के पास कौन मिल रहा था, एम रेखा और पी रेखा दोनों आई के पास मिल रहा था, उसी तरह डी बिंदु के पास रेखाओं के नाम लिखना है, तो एल है एक और एक रेखा डी है, एल एक रेखा एल है और एक रेखा क्या है डी है, तो लिख लेंगे, माफ़ कीजिए यहाँ पे एक रेखा कौन है, एल है और डी बिंदु है, बिंदु का नाम डी दिया है, ठीक है, रेखा का नाम डी नहीं दिया है, रेखा का नाम है आर, देखिए रेखा का नाम क्या है, आर है, तो यहाँ पे कह रहा है डी बिंदु वाले, डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो रेखा कौन है, एल है और आर है, तो हम लिख लेंगे एल कॉमा आर, यानी एल जो रेखा है और आर रेखा जो है बिंदु डी उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु डी पे आपस में प्रतिच्छेद हो रहा है। उसके बाद ई में क्या कह रहा है, ई में कह रहा है ई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो देखिए ई, तो ई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, यहाँ पे ई बिंदु है, तो यहाँ पे कौन कौन रेखा है, एक तो हो गया एम और एक हो गया ये रेखा आर, एम हो गया एक और एक हो गया आर, तो लिख लेंगे एम कॉमा आर। एफ ए प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, ए प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, तो ए कहाँ पे है हम ढूंढेंगे चित्र में, देखिए ए यहाँ पे है, इस बिंदु को ए कहा गया, तो यहाँ पे कौन कौन रेखा है, एक रेखा तो एल हो गया और एक रेखा हो गया क्यू, ठीक है, एल क्यू, तो लिखेंगे एल कॉमा क्यू, तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। प्रश्न पाँच का, तो इस तरह से प्रश्न पाँच हल करेंगे।